क्या आप एक 3 से 5 साल तक के बच्चे की माँ हैं और उस बच्चे ने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया है और आप उसके लिए चिंतित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। बहुत सी माताएं मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि मेरा बच्चा अभी तक बोलना नहीं सीखा है। आम तौर पे बच्चा 1.5 से 2 साल के अंदर फुल वोकैबुलरी के साथ धीरे धीरे 2 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए उनको जोड़कर बोलने की कोशिश करने लगता है, सिग्नल देने लगता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए और बताता है, शब्दों को जोड़ता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 2, 3 साल, 4 साल में भी नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसा माँ को क्या करना है कि उनके बच्चे की वोकैबुलरी एस्टैब्लिश हो, और अगर वो नहीं बोल पा रहा है तो किन किन डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत है, स्पीच थेरेपी कितनी ज़रूरी है और नहीं, आज की मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपके बच्चे की स्पीच सुधरे। मैं यहाँ वर्ग मेंशन करना चाहती हूँ टॉडलर, मतलब 2 साल से 5 साल तक का बच्चा। यूजली जब हम माइलस्टोन्स की बात करते हैं कि बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, सो 9 से 10 महीने अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.25 साल तक बच्चा चलने लग जाता है। चलने के बाद जो अगला पड़ाव बच्चे ने करना होता है वो है शब्दों का मिलान करके बोलना। 7 से 8 महीने पे 9 महीने पे बच्चा दा, माँ, सिंगल सिलेबल बोलने लगता है। और फिर जब हम बात करेंगे 1.25 से 1.5 साल के बीच में, तब बच्चा दादा, मामा सही डायरेक्शन से बोलने लगता है। लेकिन जिन बच्चों की टीथिंग लेट हुई है, दांत अभी नहीं आए हैं, हर वर्ग का सेम स्टैंडर्ड नहीं है। जब दांत आएंगे, तालू के साथ लगेंगे, तभी बच्चा बोल पाएगा। तो इसलिए अगर टीथिंग लेट हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, उतना ही लेट बच्चा बोलेगा। लेकिन अगर 2-3 साल में भी बच्चा एक सिंगल शब्द या मूड के हिसाब से बोल रहा है या अभी भी अपनी वोकैबुलरी नहीं बना पाया है, तो ये एक लाल चिन्ह है जिसे माताओं को, मदर्स को, फादर्स को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसकी वोकैबुलरी कैसे बढ़ानी है मैं आज इन टिप्स में बताने वाली हूँ। टिप नंबर 1, डेली यूज 2-3 न्यू वर्ड्स। अगर आपका बच्चा थोड़ा 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 बोलता है तो 2 साल के बाद माताएं शुरू करें, चाहे आपकी कोई भी मातृभाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, एनी लैंग्वेज, रोज उस लैंग्वेज के 2 या 3 शब्द अपनी वोकैबुलरी में बच्चे के डालें। मान लीजिए वो सेंटेंस ऐसे बोलता है कि मुझे पानी चाहिए या पानी दो, मम बच्चे इस्तेमाल करते हैं, मम दो, तो आपने उसे बढ़ाना है मुझे ग्लास में मम दो। कोशिश ये करें कि धीरे धीरे नए वर्ड्स डालने की कोशिश करें। ये मैं सेंटेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने एग्जांपल लिया है, बच्चा 2-3 शब्दों का एक सेंटेंस बना लेता है। यूजली 2 से 3 साल में टॉडलर 2 शब्द मिला के बोल पाते हैं, जैसे पानी चाहिए, पानी दो। तो कोशिश करें कि नए नए शब्द हर बार वोकैबुलरी में बच्चे की ऐड करें, क्योंकि इससे वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। ऐसा नहीं है कि रोज़ नए शब्द का रिपीटेशन ना हो। जैसे आपने कल ग्लास शब्द का प्रयोग करना सिखाया है, तो उस ग्लास को बार बार रिपीट भी करेंगे, नहीं तो रोज़ नए नए शब्दों के प्रयोग से कोई भी लर्निंग स्टैटिक नहीं रह पाएगी और फिर आपके बच्चे की स्पीच बढ़ नहीं पाएगी। जब तक आप ज्ञान नहीं देंगे तब तक वो बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जल्दी बोले या जो भी वो बोल रहा है उसको और जल्दी करें, तो ज़रूरी है कि आप उसकी वोकैबुलरी को बढ़ाएं, नए शब्दों का प्रयोग ज़रूर करें। टिप नंबर 2, रीडिंग स्टोरी बुक डेली। अब बहुत सी माताएं मुझे बोलती हैं कि मैं तो कहानियां सुना देती हूँ या मेरा बच्चा सो जाता है, कहानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने कोई ऐसी आदत नहीं डाली है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रात को सोते वक्त ही आपने उसे कहानी सुनानी है। कोशिश करें कि पूरे दिन में किताब हो तो बहुत अच्छी बात है। ज़रूरी ये है कि वो जो यूट्यूब
पे वीडियोस देख रहे हैं या फ़ोन के द्वारा सॉन्ग सुन रहे हैं, पोएम सुन रहे हैं, कहानियाँ सुन रहे हैं, उसकी ज़रूरत के बजाय आप उन्हें समझाएं, क्योंकि जितनी भी स्टोरीज यूट्यूब पर हैं उनकी भाषा बहुत ज़्यादा सरल नहीं है, बच्चे को समझ नहीं आ पाता है। हिंदी है तो प्रॉपर हिंदी है, इंग्लिश है तो इंग्लिश है, मिक्स भाषाएँ बहुत बार हम यूज़ करते हैं। तो ज़रूरी ये है कि सरल शब्दों में रोज़ एक कहानी, चाहे आप रिपीट कर लीजिए, कहानी ज़रूर बच्चे को सुनाएं। इससे क्या होता है, इससे दो सेंटेंस के बीच में कैसे मिलाप डालना है, रीटा भूखी थी इसलिए उसने रोटी बनाई, तो वो दोनों के बीच का जो कनेक्शन है सेंटेंस का वो बच्चा समझ पाएगा। साथ साथ जो कम्युनिकेशन है, इंटरलिंकिंग है, वो बच्चे की बढ़ेगी, बहुत सारी वोकैबुलरी के शब्द बच्चा उठा पाएगा कहानी के माध्यम से। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दिन में एक बार कहानी ज़रूर सुनाएं, रात को सोते वक्त, सुबह उठने के बाद, खाली बैठे समय या खेलते समय, वो आपका रूटीन है, आपने अपने हिसाब से देखना है। तीसरी चीज़ जो आपने ज़रूर करनी है वो है स्क्रिबलिंग। अब बहुत से बच्चे 2 या 3 साल में पेंसिल होल्ड नहीं कर पाते हैं, कर पाते हैं तो लेटर्स नहीं लिख पाते हैं, कोई जल्दी नहीं है, पेंसिल या स्कूल भेजने की भी जल्दी आप बिल्कुल नहीं कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक खाली पेपर, पेन, पेंसिल 1.5 से 2 साल में बच्चे को हाथ में ज़रूर पकड़ाने की कोशिश करें और स्क्रिबल करें। स्क्रिबल का मतलब आप समझते हैं, कागज़ पे कुछ भी, चाहे वो तिरछी रेखाएँ हो सकती हैं, गोलाकार रेखाएँ हो सकती हैं, कुछ भी स्क्रिबल करना बच्चे को ज़रूर सिखाएं। एक तो इससे ग्रिप बनता है, दूसरा जो वो बोल रहा है उसे पोर्ट्रे करना आएगा, चाहे कलर से भी स्क्रिबल कर सकते हैं। जब हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों को कराते हैं, जो बच्चे एक जगह पे टिक कर नहीं बैठते, हाइपर एक्टिव होते हैं, ऑटिस्टिक होते हैं, उन बच्चों में हम सबसे पहले स्क्रिबलिंग से शुरू करते हैं। कलर ले लीजिए, आप एक ड्राइंग बुक लीजिए, कलर लीजिए और बच्चे को बोलिए इसमें कुछ भी बनाएगा, कुछ भी स्क्रिबल करेगा। इस तरह की एक्टिविटी आपने ज़रूर करानी है दिन में एक बार, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका भी स्पीच के साथ रिलेशन है, जब हम ग्रिप करते हैं तो कनेक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। चौथी चीज़ जो आपने बच्चे को ज़रूर करनी है, अगर आप 2 से 5 साल की मदर हैं, तो डांसिंग ऑन द सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आप अपनी LED पे, किसी TV पे पीछे सॉन्ग्स लगा लीजिए और उसको बोलिए, और साथ साथ बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ाने की कोशिश करें। आप साथ साथ बोलेंगे, आप साथ साथ डांस करेंगे, बच्चा भी साथ साथ करना चाहिए। दिन में आधा पौना घंटा इस एक्टिविटी के लिए ज़रूर निकालें कि पीछे से सॉन्ग्स या पोएम्स आ रही हैं और आप बच्चे को क्लैप करना, डांस करना, फीट टैप करना, आई मूवमेंट करना, लिप्स मूवमेंट्स करना, वर्ड प्रोनाउंस करना ज़रूर सिखाएं। और सॉन्ग्स इसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। सॉन्ग आपको कोई भी अच्छा लगता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला गाना नहीं होना चाहिए, ये वाली पोएम्स नहीं होनी चाहिए। जो भी कविता, जो भी गाना, जो भी गीत आपको पसंद है, उस गाने पे बच्चे के साथ किसी न किसी तरह की एक्टिविटी, डांस, साथ साथ आई मूवमेंट्स, लिप मूवमेंट्स, फेशियल मसल मूवमेंट्स होनी चाहिए। ये बच्चे को हेल्प करती हैं स्पीच को इम्प्रूव करने में, वोकैबुलरी इम्प्रूव करने में और बॉडी ट्यूनिंग के लिए भी। अब मैं आपको बात करूंगी, अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा बच्चा 3 साल से ऊपर हो गया है, टीथिंग भी हो गई है, लेकिन फिर भी मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसे हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन, बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे। इसे इग्नोर नहीं करेंगे, आँख बंद कर लेने से भूत चला नहीं जाता है, ज़रूर दिखाएं, लेकिन 3 साल तक इंतज़ार करें। अगर बच्चा बैबल या कू कर रहा है, बैबल मतलब कुछ भी, बब बब दद दद, या कू कू मतलब आवाज़ कर रहा है, इस तरह की किसी भी आवाज़ें कर रहा है, तो भी आपको 3 साल तक मिनिमम इंतज़ार करने की ज़रूरत है। उसके बाद भी आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा एक भी वर्ण या व्यंजन भी नहीं बोल पा रहा है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आमतौर पे डॉक्टर्स यूजुअली बच्चे को स्पीच थेरेपी के लिए बोलते हैं, और पेरेंट्स की कमी ये रह जाती है कि वो उसे इग्नोर कर देते हैं। इस उम्र तक तो बच्चे वैसे भी नहीं बोलते, कोई बात नहीं, छोड़ दो, बच्चा अपने आप सीखेगा। नहीं, पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, बहुत से लोग ध्यान देने के लिए होते थे, बहुत से लोग कम्युनिकेट करने के लिए होते थे। आजकल यूजुअली प्रोफेशनल पेरेंट्स हैं तो कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है, इसलिए कोशिश करें कि स्पीच थेरेपीज टाइमली शुरू करें। अगर आपका बच्चा 4
चार साल या उससे अबव भी नहीं बोल पा रहा है तो चेक करें कि बच्चा हाइपर एक्टिव या ऑटिस्टिक ना हो, और सिग्नल्स को भी ध्यान देने की कोशिश करें। मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि कैसे पहचाने कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव या ऑटिस्टिक है। कोशिश करें कि सही समय पर सही सलाह लेने की कोशिश करें, किसी भी तरह की फालतू जो हम बोलते हैं सुपरस्टिशन उनमें ना पड़ें, सही डॉक्टर के पास जाएं, बच्चे को असेस करें, चाहे बच्चे का तालू है, पैलेट है, चाहे टंग टाई है। ये बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो पेरेंट्स को नहीं समझ में आती, तो डॉक्टर्स के पास टाइमली लेके जाएं, और अगर स्पीच में डिले है तो उसे टाइमली ट्रीट करें। स्पीच थेरेपी रिजल्ट करती है, जो बहुत से पेरेंट्स मुझे बोलते हैं, बिल्कुल रिजल्ट करती है। एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल स्पीच थेरेपिस्ट को मिलें और टाइमली बच्चे की थेरेपी शुरू करें। स्पीच थेरेपी लेना कोई टैबू नहीं है, आधी से ज़्यादा बच्चे लेते हैं, और ज़रूरी है कि बच्चा सही से शुरू से बोले ताकि उसे दिक्कत ना आए। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी कि अगर आपका बच्चा नहीं बोल पाया है तो एक माता कैसे उसकी मदद कर सकती है। मेरे साथ बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर।